रामटेक के पूर्व सांसद कृपाल तुमाने और यवतमाल के पूर्व सांसद भावना गोली को शिवसेना शिंदे गुट ने विधान परिषद का टिकट देकर पुनर्वास किया है। इन दोनों का टिकट लोकसभा चुनाव में कट गया था। ऐसे में अब पूर्व सांसद तुमाने और ग्वाली को विधान परिषद का शिंदे गुट ने उम्मीदवार बनाया है। दोनों पूर्व सांसदों के टिकट की घोषणा देर रात की गई। मुंबई में मंगलवार को फॉर्म भरने की अंतिम तारीख है। दोनों सीटों पर मिली थी हार। लोकसभा चुनाव में शिंदे गुट ने तुमाने की टिकट काटकर राजू पारवे को दी थी और ग्वाली की टिकट काटकर राजश्री पाटिल को टिकट दी थी। इन दोनों सीटों पर शिवसेना शिंदे गुट को हार का सामना करना पड़ा था। इससे कार्यकर्ताओं में भारी नाराजगी थी। पार्टी ने कार्यकर्ताओं की नाराजगी को दूर करने और पार्टी में एकजुटता लाने के लिए इस बार दोनों को मैदान में उतारा है। ओबीसी वोट साधेंगे फूके। इधर भाजपा से पूर्व राज्य मंत्री परिणय फुके को फिर से उम्मीदवार बनाए जाने के बाद पार्टी अपने ओबीसी वोट बैंक को फिर से साध सकेगी। फुके पिछले कई वर्षों से ओबीसी समाज के नेता के रूप में उभर कर आए हैं। विशेष रूप से विदर्भ के ओबीसी समाज में उनकी जबरदस्त पकड़ भी है। पिछले कुछ समय से राज्य में चले आ रहे मराठा ओबीसी में कुटता और गतिरोध को दूर करने में भी उन्होंने अहम भूमिका निभाई। लोकसभा चुनाव में ओबीसी समाज का एक बड़ा तबका भाजपा से दूर हो गया था। अब विधान परिषद में उम्मीदवारी मिलने के बाद फुके पर इन वोट बैंकों को मजबूत करने की जिम्मेदारी आ जाएगी। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, नागपुर।